वेलकम है आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षांचल में। आज हम लोग वॉइस यानी एक्टिव और पैसिव वॉइस के पांचवे पार्ट में आ चुके हैं। इससे पहले हम लोगों ने चार वीडियोस, सेपरेट वीडियोस केवल वॉइस ओरिएंटेड ही मैंने बनाया, जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। उस पर मैंने बेसिक से शुरू करके जहाँ तक जो भी लेवल होता है, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा पॉइंट को मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया है, एकदम कम शब्दों में और सटीक ढंग से आपको बताया है। तो आज हम लोग आ चुके हैं वॉइस के इन्फिनिटिव वाले सेक्शन को, आज हम लोग समझेंगे, हैव टू, हैज़ टू को समझेंगे, टू बी को समझेंगे, क्लॉज वाले एक्टिव पैसिव को समझेंगे, उसके बाद अदर प्रीपोजिशन इंस्टीड ऑफ बाई, यानी हम लोग बाई प्लस एजेंट का यूज़ करते हैं पैसिव में, तो बाई प्रीपोजिशन है हमारा, इस प्रीपोजिशन के का यूज़ कहीं कहीं नहीं होता है, तो कहाँ नहीं करेंगे ये भी आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पिछले वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी एक बार देख ले, जिससे कि कॉन्सेप्ट आपका और ज़्यादा क्लियर हो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई बात नहीं, आज का वीडियो आपके लिए फिर भी यूज़फुल है। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसके पॉइंट्स में सबसे ऊपर था इन्फिनिटिव, तो सबसे पहले हम लोग इन्फिनिटिव को समझेंगे। तो इन्फिनिटिव का यहाँ पर मैंने बताया, इन्फिनिटिव कहेंगे किसको, तो जब आपके सेंटेंस में टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा रहे वो आपका इन्फिनिटिव वाक्य होता है। अब एक्टिव आपको सेंटेंस मिलेगा उसमें टू प्लस भिवन दिया रहेगा, तो उसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, तो बड़ा ही आसान है। मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिया, उसको बना करके भी रखा है जिससे कि आपको समझ में आएगा आसानी से। क्या लिखा, देर इज़ नो टाइम टू लूज़। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म है, ये हो गया आपका इन्फिनिटिव वाला वाक्य। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे, टू ड्रिंक, टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म, यानी आपका इन्फिनिटिव वाला वाक्य हो गया। तो इसको बनाते कैसे हैं, बस कुछ नहीं करना है आपको, शुरू का जो भी इंट्रोडक्टरी ये देयर है, उसके बाद देयर इज़ नो टाइम, यहाँ तक जो भी है जैसा भी रहेगा आप सेम टू सेम आप पैसिव में उसको लिख लेंगे। उसके बाद बस चेंज क्या करना है आपका, टू प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म ऐड हो जाता है लास्ट में, इन्फिनिटिव वाले सेंटेंस में। कहाँ से आप चेंजिंग करना शुरू करते हैं, तो चेंज करना शुरू करते हैं जहाँ पर आपका इन्फिनिटिव वाक्य में मिलता है। तो टू, अब बी का मैंने बताया भार को रिप्रेजेंट करने के लिए बी का यूज़ करते हैं, उसके बाद भार का ये तीसरा फॉर्म आपका हो जाता है। क्या है, बस जहाँ से आपका सेंटेंस में एक्टिव में टू मिले वहीं से आप जो है सो टू के बाद बी लगाएंगे और जो भी आगे भर्ब होगा उसको तीसरे फॉर्म में चेंज कर देंगे, एकदम ईजी है। दूसरे वाक्य पर आते हैं, यू हैव नथिंग, तो मैंने लिख दिया पैसिव में भी यू हैव नथिंग, उसके बाद टू इन्फिनिटिव आ गया, अब यहाँ से चेंज होना शुरू होगा, तो टू के बाद क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं, उसके बाद भर्ब पहला है तो ये चला जाएगा। जैसा कि हर एक पैसिव सेंटेंस में आप भर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, यानी ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। इन्फिनिटिव वाले वाक्य जहाँ भी मिलेंगे आप इसको ऐसे ही डील करेंगे। साथियों, अब हम लोग आ चुके हैं हैव टू, हैज़ टू वाले सेंटेंसेस पे। इसका मैंने छोटा सा स्ट्रक्चर लिखने का ट्राई किया है, जैसे कि आप इसको नोट भी कर सकते हैं और नोट करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, मैं इसको एग्जांपल पर ही ऐसे समझा दूंगा कि आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। सबसे पहला एग्जांपल देखेंगे, यू हैव टू राइट इंग्लिश, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हैव टू आ गया, यानी हैव टू वाला सेगमेंट ही हमारा चल रहा है, तो ये एक्टिव में है। पैसिव में इसको कैसे चेंज करेंगे, ध्यान रखिएगा हैव टू, हैज़ टू, हैड टू जहाँ भी रहेगा, नॉर्मल जैसे आप पैसिव वॉइस बनाते हैं बस वैसे ही बनाएंगे। क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले आइडेंटिफाई करेंगे, उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में यानी सबसे पहले लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, पहले एग्जांपल पर ध्यान देंगे कि ऑब्जेक्ट पता करने का तरीका मैं पिछले वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ, वहाँ से भी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यहाँ भी मैं बता रहा हूँ कि वर्ब से पूछेंगे कि वो बता देता है ऑब्जेक्ट कहाँ है। वर्ब क्या है, राइट मीन्स लिखना, क्या लिखना, तो इंग्लिश बता दिया, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश को सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि हमारे ये जो है सो किस फॉर्म में सेंटेंस चल रहा है, तो हैव टू है तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर हैव हैज़ दोनों में से कोई लगाना होगा, तो इंग्लिश जो है आपका वे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो ये जो है सो आपका हैज़ हो जाता है यहाँ। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे स्ट्रक्चर पर भी आएंगे, हैव हैज़ हैड, उसके बाद टू बी का यूज़ करते हैं, टू बी का यूज़ मैंने किया, और उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म रिटेन हो गया आपका, क्योंकि वर्ब आपका राइट है तो रिटेन होगा।
उसके बाद बाई प्लस एजेंट, जैसे हम नॉर्मल वॉइस में हम लगाते हैं तो बाई एजेंट कौन है इसका, तो ये यू है, तो यू यू ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता। अगले वाक्य पर आते हैं, शी हैज़ टू स्पीक संस्कृत एंड हिंदी, वही बात है, तो संस्कृत उसको बोलना पड़ता है, हैज़ टू, हैव टू करने का क्या मतलब है कि ऐसा करना पड़ता है, हिंदी अर्थ निकाले तो उसे हिंदी और संस्कृत बोलना पड़ता है। तो वर्ब बोलना है, क्या बोलना पड़ता है, संस्कृत और हिंदी, तो उसको पहले खींच लेंगे दोनों को, संस्कृत एंड हिंदी, दो यहाँ पर आ गए हैं तो थर्ड पर्सन लेकिन प्लूरल नंबर में है, तो क्या लगाएंगे, हैज ना लगा के हैव लगाएंगे। और स्ट्रक्चर पर देखेंगे, टू प्लस बी उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो स्पीक का क्या हो जाएगा, स्पोकन हो जाएगा, बाय प्लस एजेंट, तो शी का यहाँ पर हर हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरे वाक्य पर चलते हैं, आई हैड टू वॉच मूवीज, मुझे, अब देखिए हैड वाला भी आ सकता है, मुझे सिनेमा देखना पड़ता था, कोई दिक्कत नहीं बनेगा, वैसे ही पहले ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे तो मूवीज़ है, मूवीज़ के साथ पास्ट टेंस में तो कुछ भी रहे, कोई भी सब्जेक्ट रहे, हैड ही लगता है। टू बी प्लस वॉच का क्या हो जाएगा, वॉच्ड बाई प्लस एजेंट, तो आई का मी में चेंज हो जाता है। आई होप कि आपको ये हैव टू, हैज टू, हैड टू वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब दोस्तों तीसरे नंबर पर था टू बी वाला, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, हम लोगों ने समझ लिया, टू बी वाला ये जस्ट दोनों सिमिलर है, बस समझ लेंगे इसको एग्जाम्पल पे, नीचे स्ट्रक्चर मन है तो आप इसको लिख भी सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप सेंटेंस से ही समझ जाएंगे, लेकिन याद रखने के लिए आप इसे नोट कर सकते हैं। पहला सेंटेंस मैंने क्या लिखा, आई एम टू ओपन अ शॉप, इसका मतलब होता है कि मैं एक दुकान खोलने वाला हूँ, इसका हिंदी अर्थ ही है। तो इसको अगर पैसिव में ले जाएंगे तो वही ऑब्जेक्ट को पहले आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, अ शॉप, एक दुकान, क्योंकि भर बता रहा है ओपन करना, तो क्या ओपन कर रहा है वो, शॉप, तो अ पहले आ जाएगा। उसके बाद नॉर्मल जैसे आप सिंपल करने वाला हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस वाली बात है, तो इज एमर लगाएंगे, तो अ शॉप इज, ध्यान दीजिएगा ये ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर लिया, अ शॉप है, एक है, तो इसलिए इज लगेगा, टू का टू ही रहेगा और बी आ जाएगा, टू है तो बी आ जाएगा, निश्चित आ जाएगा पैसिव में, टू बी अभर्व का तीसरा फॉर्म, जैसा कि अभी हम लोगों ने तुरंत हैव टू हैज टू वाले में समझा है। और उसके बाद बाय प्लस एजेंट, अ शॉप इज टू बी ओपेंड बाय मी, यानी एक दुकान मेरे द्वारा खुलने वाली है। उसके बाद दूसरे सेंटेंस पे आते हैं, ही वॉज टू सेल दीज काउज, पास्ट टेंस में आ गया, तो दीज काउज आपका ऑब्जेक्ट है तो पहले आ जाएगा, दीज काउज प्लूरल है तो वॉज न लगा के क्या, वर लगाएंगे। और उसके बाद टू बी वर्ब का तीसरा फॉर्म, टू बी सोल्ड, किसके द्वारा, तो ही के द्वारा, तो हिम हो जाता है। ये आपका दोनों कंप्लीट सेंटेंस, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको टू बी वाले में चेंज करने के लिए, तो आप उसको ऐसे ही बनाएंगे। स्ट्रक्चर हो गया, इज एम आर वॉज वर प्लस टू बी प्लस वी थ्री, तो देखिए वॉज वॉज वर, हाँ वॉज वर प्लस टू, ये तो क्वेश्चन है, प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, उसके बाद बाय प्लस एजेंट। दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं क्लॉज वाले सेगमेंट में। क्लॉज वाले क्या होते हैं कि दो प्रकार का आपका जो है सो सेंटेंस उसमें छिपा रहता है, जुड़ा रहता है, एक डिपेंडेंट होता है, एक आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं है यहाँ पर, बस बहुत ही ईजी तरीके से इसको चेंज करना होता है, बहुत ही आसान है अगर हम लोग वॉइस की बात करते हैं तो। तो पहला क्वेश्चन, इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है, आप सेंटेंस से ही समझ जाएंगे, इतना इजी है। ही सेज दैट द सन इज हॉट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ही सेज दैट, ही सेज एक सेंटेंस ये है, और दैट से जुड़ा हुआ आपका ये अगला सेंटेंस है, द सन इज हॉट, यानी आपका क्लॉज वाला सेंटेंस है। कैसे बनाएंगे इसको, बस कुछ नहीं, ही सेज दैट है तो इसको हम लिखेंगे इट इज सेड, पैसिव में हम चेंज कर रहे हैं इसलिए हम सेज को हटा करके इज सेड लगा दिए। उसके बाद दैट दैट लिखेंगे, और जैसा हमारा एक्टिव में सेंटेंस है वैसा हू बहू पैसिव में लिख देंगे, बस हमको दिमाग लगाना है इतना ही दूर। जो आपका फ्रेज है, कहने का मतलब है, ये डिपेंडेंट क्लाउज है जो आपका, यहीं पर ध्यान देना है, बाकी हू बहू उतारते चलना। अगले वाक्य में आएंगे, दे न्यू दैट शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम पास्ट टेंस में, इसलिए हम क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में था, सेज था, इसलिए हमने सब्जेक्ट के हिसाब से इज लगाया, दे रहता तो आर लगाते, ये अपना अंडरस्टैंडिंग है।
तो यहाँ पर न्यू है, बी टू है, तो हम क्या करेंगे इसको वॉज यहाँ पर लिखेंगे. इट वॉज नोन दैट, इट वॉज नोन दैट. उसके बाद जो है आपका एक्टिव वाला सेंटेंस पैसिव में वो बहु लिख दिया आपने. फिर अगला सेंटेंस है, वी थिंक दैट द फ्यूचर विल बी ईजी. इट इज थॉट. तो इसका क्या बनाएंगे, इट इज थॉट दैट द फ्यूचर विल बी ईजी. तो बस ध्यान देना है कि आप इट लगा करके इसको बना सकते हैं, क्लॉज वाले सेंटेंसेस को, भारी से भारी सेंटेंसेस को. इसको दूसरे तरीके से भी बनाया जाता है लेकिन उतना दिमाग नहीं लगाना है. आप यही दिमाग में रखेंगे, आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं. दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अदर प्रीपोजिशन इंस्टीड ऑफ बाय, यानी बाय का तो बाई प्लस एजेंट अभी तक आपने सीखा जाना. अब मैं बताऊंगा कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ आप बाई का यूज ना कर सकते हैं, मतलब करना ही नहीं है. तो वो वर्ब्स कौन कौन से हैं, जैसे ये प्लीज़, प्लीज़ करने का मतलब यहाँ पर कृपया वाला नहीं है, खुश वाला है, तो प्लीज़ के साथ हमेशा विथ लगाएंगे. उसके बाद मैरी, शादी, यानी मैरी जनरली लोग गलती क्या कर देते हैं, मैरी विथ, हाँ तो वो गलत हो जाएगा आपका, टू लगाते हैं. नो, नो मीन्स जानना, टू होगा. सरप्राइज, आश्चर्य, ऐट होगा. सेटिस्फाई, संतुष्ट, विथ होगा. इंटरेस्टेड, इन होगा. दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं एग्जांपल्स पे, लेकिन इसको समझाने से पहले मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि इसमें पैसिव वॉइस जैसे आप बनाते हैं, जैसे एक्टिव टू पैसिव में चेंज करने का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, बाकी रूल्स रिमेन रहेंगे, सामान्य ही रहेंगे, बस बाई वाला चेंज होगा भर्व के कारण. तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे इसमें, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होने की बात है, बस इसको समझने का प्रयास करेंगे कि ये वर्ब आया इसीलिए हमारा प्रीपोजिशन चेंज हुआ, बाद बाकी रूल जस का तस है. ध्यान दीजिएगा, ही नोज इट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है. सिंपल सा रूल है, ऑब्जेक्ट को पहले खींच लेंगे, तो इट को हम पहले लिख लिए. सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर पैसिव क्या होता है, इज एम आर होता है, इज लगा दिए. नोज है, बी फाइव है, हमको क्या लगाना है पैसिव में, बी थ्री लगाना है, तो नोन हो जाएगा. इट इज़ नोन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. उसके बाद जनरल वे में हम लोग क्या करते हैं, बाई लगाते हैं, बाई हिम, लेकिन यहाँ पर बाई नहीं लगेगा. क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले जाना कि नो के साथ टू लगाते हैं, क्लियर, तो इसीलिए लगाया नोन टू हिम. बाकी रूल वही रहा, कुछ नहीं बदला होगा, बदला क्या, बस बाई प्लस एजेंट, बस उसी पर कंसंट्रेट रहेंगे. अगले सेंटेंस पे आते हैं, दे सेटिस्फाइड मी, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, आई एम सेटिस्फाइड, मी को पहले खींच लिया, आई के साथ क्या लगाएंगे प्रेजेंट टेंस में, तो एम लगाएंगे. सेटिस्फाइड का सेटिस्फाइड होता है. अब सेटिस्फाइड के साथ हम क्या लगाते हैं, विथ लगाते हैं, यही नोट करने वाली बात है. आप इसको नोट भी कर सकते हैं, इससे पहले जो मैंने बताया उसको भी आप नोट रखेंगे, याद रखेंगे. सेटिस्फाइड के बाद आँख मूंद के विथ लगाएंगे, जो हमारा दे है एजेंट में चला जाएगा, दे में बदल जाएगा. अगले वाक्य पर आते हैं, द बिहेवियर ऑफ द लिटिल बॉय सरप्राइज्ड मी, सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है. सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, तो सरप्राइज्ड वर्ब यहाँ पर है, सरप्राइज्ड किसको कर रहा है, मुझे कर रहा है, आई, मी, मी यहाँ पर आई में चेंज होगा, आई के साथ सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर वॉज वर होता है, तो वॉज लगाएंगे और भी थ्री लगाएंगे. सरप्राइज्ड, और सरप्राइज के साथ क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं, तो सरप्राइज एट, तो आई वॉज सरप्राइज एट द बिहेवियर ऑफ द लिटिल बॉय, जो है वैसा ही लिख दिया हमने, एजेंट जो हमारा है एट के बाद. उसके बाद अगले वाक्य पर आते हैं, द रिजल्ट शॉक्ड मी, सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है. ऑब्जेक्ट को पहले ले लिया मैंने, सिंपल पास्ट है तो वॉज वर्ड लगाएंगे, तो वॉज, शॉक्ड का शॉक्ड ही होता है, और शॉक्ड के साथ एट लगाते हैं, बाई नहीं लगाते हैं, तो एट द रिजल्ट. लास्ट वाक्य पर आते हैं, ही प्लीज्ड मी, तो प्लीज्ड में मैंने बताया था प्लीज के साथ क्या लगाते हैं, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट खींच लेंगे, सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है, तो आई के साथ वॉज लगाएंगे, प्लीज्ड का प्लीज्ड रह जाएगा, और प्लीज्ड के साथ विथ लगाते हैं, तो विथ हिम. आई होप कि आपको ये प्रीपोजिशन जो बाई के जगह पर यूज किया जाता है वॉइस में, एक्टिव पैसिव वॉइस में, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया. अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर इसकी चर्चा करेंगे. तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अगर पसंद आता हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें जिनको ज़रूरत है. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, और उसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि हर रोज़ मैं वीडियो डालता हूँ तो आप तक आसानी से मिल जाए.
इतना मेहनत के बाद इतना तो कॉपरेशन बनता है आप लोगों से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में वॉइस का ही एक नया टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए बाय।